हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज का वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जो अभी कंफ्यूज चल रहे हैं कि आगे अब मुझे क्या करना है। देखिए, आपके माइंड में इंजीनियरिंग कंसेप्ट हो सकता है या मेडिकल कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना तो हो सकता है आपके लिए नए नए रास्ते खुल जाएं। मैं यहां आपके लिए 15 तरीके की जॉब्स, 15 तरीके के करियर्स लेके आया हूं जो आपको क्लिक कर जाएं। आप क्या सोच रहे होंगे, अगर पीसीएम इंजीनियरिंग, पीसीबी साइंस साइड, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। सब सोच रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ, जितना साइंस साइड का स्टूडेंट है कोचिंग की तरफ सोच रहा है मैं IIT कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं मेडिकल की तरफ चला जाऊं, लेकिन बच्चों बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। बच्चों, सभी बच्चे ये सुन लेना, आप लोग टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने उस पर चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए है कि आपके जो कमेंट्स है यूट्यूब पे, जब आप कमेंट करते हो तो इतने कमेंट्स पढ़े नहीं जाते, उस पर हम लोग ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं फिजिक्स फॉर यू, तो उसमें मैं मिलूंगा आपको, उसको सब्सक्राइब करिए, हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत कर सकें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक तो पहला ऑप्शन आपका एज यूजुअल 100 साल से चल रहा है वही है कि आप 12th करने के बाद बीटेक को फॉलो करो, बीटेक की तरफ जाओ या बीई करो। 4 साल की ये आपका कोर्स है और इसको करिए, नॉर्मल इंजीनियरिंग का कोर्स है। इसके अंदर भी बहुत सारी हॉट सब्जेक्ट्स होते, आपकी फील्ड्स होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बहुत ज्यादा चलन में है, एवरग्रीन है, यही ज्यादा चलती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आईटी में जाने की कोशिश करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने की कोशिश करना, क्योंकि आजकल इन्हीं चीजों का ज्यादा चलन चल रहा है। आजकल वर्क फ्रॉम होम, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का ज्यादा काम चल रहा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। अगर आप इन सब में कर लेते हो, कोडिंग वोडिंग सीख लेते हो, सॉफ्टवेयर बनाना सीख लेते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं किसी की जॉब करने के लिए। आप नॉर्मल अपना सॉफ्टवेयर बनाइए, लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती है। अब आप देखिए, अभी पीछे मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, खाता बुक ऐप, एक नॉर्मल ऐप बनाई है, करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल रही है। इससे पहले लोग बस सिंपली खाते अपने कैसे बनाते थे, कॉपी पे, उन्होंने ऐप बना दिया। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज आप लोग यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीख सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा मेरे बच्चे बीआर्च, आप आर्किटेक्ट की फील्ड में जा सकते हैं, ये 5 साल का आपका कोर्स है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये वही बच्चे चूज करें जिनकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी है, ड्राइंग्स बहुत अच्छी है। इसमें दबाकर बहुत सारे नक्शे ड्राइंग्स बनवाई जाती हैं, तो इसको वही चले। ये भी बहुत एक अच्छा फील्ड है, एवरग्रीन फील्ड है, इसमें कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिसेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये तो पुराना हो गया, 50 साल 70 साल पहले से यही सब हम लोग सोच रहे हैं। नया क्या, मतलब कुछ एक्साइटिंग लाइफ में, कुछ एक्साइटिंग नया, इन अ सेंस बच्चे यहां कम सोचते हैं, आप नेवी की तरफ सोच सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपने 12th कर ली, क्या आपको कुएं के मेंढक की तरह अपने शहर में ही रहना है, या आप चाहो तो नेवी करो, शिप में ऑल ओवर पूरी दुनिया घूमने का मौका है आपके पास। हमारी लाइफ तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है अगर आप नेवी की तरफ सोचते हो। बहुत बढ़िया पैकेज मिलता है, बहुत बढ़िया पैकेज, आप इसको सर्च करना, कहोगे कमेंट में लिखना, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं। मेरे एक दो फ्रेंड्स भी हैं जो इस फील्ड के अंदर है, मैं उनको ला भी सकता हूं जो आपको इसके बारे में डिटेल बताए। बहुत बढ़िया पैकेज मिलता है इसके बारे में, इसको जरूर सोचना। मैं पर्सनल राय दूंगा, बजाय इसको या इसको चूज करने के, मुझे जो पसंद है वो नेवी है। बच्चों, नेवी के बारे में जरूर सोचना, इतना जबरदस्त पैकेज मिलेगा, बहुत बढ़िया, और जिंदगी घूमना, 6 महीने विदेशों में घूमो, 6 महीने यहां लो, लोग आपसे आके कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे कहेंगे कि हमें वो बताइए, रास्ता बताइए जिसके थ्रू हम
नेवी में जा सकते हैं, इसकी भी स्टडी कराई जाती है, पहुंचाने के भी बहुत बढ़िया लाइन है, आप इसके बारे में जरूर सोचना। इसके बाद एक बेसिक सा जैसा हम लोगों ने किया आप लोग कर सकते हो, नॉर्मल सी चीज, 3 साल की बीएससी, ये चलन लोकल छोटे शहरों में ज्यादा है। बीएससी, उसके बाद एमएससी, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, स्कूल्स में टीचर लग सकते हो, कॉलेजेस में प्रोफेसर लग सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हो। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, बहुत बच्चा लोकल कॉलेजेस में यही सब करते हैं। आ जाइए इससे और बेटर मैं आपको चीजें बताता हूं, ये बड़ा जबरदस्त है। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास है, कॉमर्शियल पायलट बनने का, एरोप्लेन जो होते हैं आपके जो ये होते हैं कॉमर्शियल पायलट बनने का। इसका कोर्स महंगा है, इसका कोर्स महंगा है, पर इसकी सैलरी जबरदस्त है। हवाओं से बातें करने का मौका मिलेगा, देश विदेश कहीं भी आप घूम सकते हो, सैलरी इतनी जबरदस्त है पूछो नहीं। लेकिन हाँ मैं फिर कहूंगा ये कोर्स नॉर्मल सस्ता कोर्स नहीं है। चलिए उसके बाद आप एनडीए कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एनडीए आर्मी नेवी एयरफोर्स, इसका आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इसका एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एनडीए ही आपको, जो हमारी जो सरकार है वही आपको कहेगी कि आप आगे, आप अगर आप अच्छा एनडीए करने के लिए साइंस पीसीएम होना ही जरूरी नहीं है, ये आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है और हमारा साइंस साइड वाला भी कर सकता है। आप एनडीए क्लियर करेंगे उसके बाद आप नॉर्मल बीए बीएससी बीटेक जो करना चाहे आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया एनडीए में जॉब मिल जाएगी, आप बहुत बढ़िया ऑफिसर लेवल के पर्सन बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा, अगर आपको गवर्नमेंट में अपना गवर्नमेंट फील्ड में अपना अप्लाई करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद एससीआरए एग्जाम, आपके रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं ये भी बहुत बढ़िया है, आप एससीआरए एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, यूपीएससी के थ्रू आप एससीआरए का एग्जाम दीजिए। रेलवे की नौकरी अगर आपको चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी, 4 साल का आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मिलेगी और ग्रुप वन लेवल की जॉब मिलेगी, बहुत बढ़िया जॉब मानी जाती है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, एससीआरए का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 12th करने के बाद एससीआरए की तैयारी करते हैं, आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, एससीआरए की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा क्या, ये जो ऑप्शंस हैं जो 8वें नंबर से शुरू हो गए, ये आपके फील्ड को डाइवर्सिफाई करेंगे, इसको कोई भी कर सकता है, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला। आप चाहो तो मान लीजिए आपका दिमाग बिजनेस में ज्यादा चलता है, आपको कल को अपना होटल चलाना है तो आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन जो बीबीए हो गया और एमबीए, बाद में जैसे आप एमबीए करते हो, एमबीए करना है तो आप बेटर है बीबीए करिए और एमबीए कर लीजिए बाद में। उसके बाद आप कहीं भी बिजनेस मैनेजमेंट्स वगैरह का कोर्स, ये जो है इसके थ्रू आप होटल चलाना चाह रहे हो, हॉस्पिटैलिटी, आपका हॉस्पिटल है वहां पर, आपको इस तरीके की जो ऊपर टॉप लेवल पे मैनेजमेंट्स होती हैं वो बीबीए एमबीए ही होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी एमबीए लोग ही होते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें बीपीएड और बाद में एमपीएड, फिजिकल एजुकेशन, आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल में फिजिकल टीचर्स हैं, एमपीएड वगैरह करिए और आप ये कर सकते हैं। ये ज़्यादा वही बच्चे चूज करेंगे जिनका स्पोर्ट्स में ज़्यादा, आप खेल कूद में ज़्यादा अच्छे हो, आपने साइंस पढ़ाई कर तो ली लेकिन आप खेल कूद में ज़्यादा अच्छे हो तो आप खेल कूद को ही अपना करियर भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है खेल कूद सिर्फ आपके लिए नॉर्मल शौक था, आप बीपीएड करिए एमपीएड करिए और एक अच्छे कॉलेजेस में अच्छे स्कूल्स में एक ट्रेनर लग सकते हो। उसके बाद आप बीजेएमएस कर सकते हो, बीजेएमएस क्या हो गया आपका मास जर्नलिज्म का कोर्स हो गया, आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो, रिपोर्टर बनना चाहते हो, कल को अगर आप मूवीज बनाना चाहते हो तो एक अगर आपने जर्नलिज्म का कोर्स कर रखा होगा तो आपके बोलने का तरीका, जो रिपोर्टिंग करनी है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, आज तक हो गया, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं जो आज तक पर आते हैं, जो सीएनबीसी आवाज पर आते हैं, इसके लिए बेसिक कोर्स जो आपको करना होता है बीजेएमएस होता है। अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं इसके लिए, कॉलेजेस हैं जहां ये चीज़
सिखाई जा रही है। इसके बाद आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करिए और अच्छे अच्छे होटल्स में आप लोग लग सकते हो, मैनेजर लग सकते हो। उसके बाद BCA जो आपका कॉमर्स वालों का ऑप्शन है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप BCA कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज अपने अपने CA हायर करती है, बहुत अच्छी जॉब है। पढ़ाई टफ है इसकी, स्टडी टफ है इसकी, कई साल लग जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। LLB कर सकते हो, वकील बनना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आपको BA LLB करनी है, आपने BSc LLB कर सकते हो। अगर आपका ऑप्शन चेंज, आपने करियर साइंस से आपने शुरू कर लिया लेकिन अगर आप वकील बनना चाहते हो तो BSc LLB कर सकते हो। इसके अलावा पॉलिटेक्निक का भी कोर्स होता है। आप इतनी महंगी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपने 12th तक पढ़ाई कर ली, अब आप ज़्यादा महंगी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हो, छोटे छोटे, जैसे AC रिपेयरिंग हो गई, ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रिपेयर करना, फ्रिज रिपेयरिंग हो गया, इस रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें सीख के आप अच्छे टेक्नीशियंस करके बहुत पैसा कमा सकते हो। विदेशों में बहुत मांग है, सऊदी अरेबिया वगैरह में, वहाँ इस तरह के लोग नहीं होते। अगर आप वहाँ यहाँ से पॉलिटेक्निक का, एक्चुअली क्या है, मान लीजिए आपके पास संसाधन की कमी है, पैसे कम हैं, आपके पास पैसे कम हैं, आप ये कोर्स नहीं कर सकते, आप कमर्शियल पायलट नहीं बन सकते, इतनी पढ़ाई आप नहीं कर सकते, SCRI एंट्रेंस नहीं क्लियर कर सकते, तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दे, खत्म कर दे, जो इतना पढ़ाई करी उसका फायदा क्या हुआ? तो आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हो। और मैं आपको सही बताऊं, बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में बहुत जॉब्स हैं जहां ये आपको बहुत डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो। उसके बाद आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जैसे PUBG वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, एनिमेशन बड़ा जबरदस्त। अगर आप कुछ हटके करना चाहते हो, इन सारी पढ़ाई ये तो सभी करते हैं, आप इससे कुछ हटके करना चाहते हो तो एनिमेशन हो गया, गेमिंग हो गया, इस तरीके की चीजें सीख सकते हो। गेमिंग, ये आपको गेम्स बनाना सिखाया जाएगा, एनिमेशन, रोबोटिक्स में जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप चूज कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।